तेज घाटे के शेषर कोठी के आराध्य देवता कशु नारायण लाभ लश्कर के साथ दो सप्ताह पूर्व शाही स्नान के लिए रवाना हो गए हैं। एक माह तक चलने वाले इस दौरे में देवता कशु नारायण 11 अगस्त को खीर गंगा पहुंचेंगे, जहां 5000 देवलू संघ कशु नारायण शाही स्नान करेंगे। पिछले करीब दो सप्ताह से जगह जगह देवता कशु नारायण का भव्य स्वागत किया जा रहा है। सेज घाटी की बनाऊंगी आराध्य देवता कशु नारायण 6 दशकों बाद खीर गंगा में शाही स्नान करने के लिए रवाना हुए हैं। सैकड़ों देवलू और हरियाणों की मौजूदगी में पूरी मणिकरण घाटी इन दिनों भक्ति में हो गई है और अन्य राज्यों से यहां घूमने आए पर्यटक भी इस धार्मिक आयोजन के गवाह बने हैं। पारंपरिक वाद्य यंत्रों ढोल नगाड़ों और नरसिंहों के साथ ये देव यात्रा मणिकरण घाटी में प्रवेश हो गई है, जिससे घाटी के लोगों में खुशी का माहौल है। देवता कशु नारायण के कारदार ने बताया कि देवता कशु नारायण करीब 6 दशकों बाद दौरे पर निकले हैं और दौरे में देवता की यात्रा रूपी घाटी शेषर रैला देवगढ़ गोही बलान पार्वती घाटी मणिकरण वैली सहित खीर गंगा पहुंचेगी। मान्यता ये है कि देवता का दौरा क्षेत्र में सुख समृद्धि अच्छी फसल पैदावार के लिए शुभ होता है। देव कार करिंदो ने बताया कि इस देव यात्रा में शामिल लोगों के घर में जहां खुशहाली आती है, वहीं दुख दरिद्र भी दूर हो जाते हैं। 12 साल 6 दशकों के बाद कशु नारायण लाभ लश्कर के साथ शाही स्नान के लिए रवाना हो गए हैं। हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश का कहर जारी है और आने वाले दिनों में बरसात लोगों को काफी तंग करने वाली है। बरसात ने प्रदेश में अब तक 22 लोगों की जान ले ली है और 138 करोड़ के नुकसान का सरकार ने अभी तक अनुमान लगाया है। प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि भारी बरसात के कारण प्रदेश में बिजली, पानी और सड़कों को नुकसान पहुंचा है। सरकार ने सभी विभागों को बरसात को सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं, ताकि लोगों को ज्यादा नुकसान न उठाना पड़े। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश में बंदर और कुत्तों के आतंक से लोग काफी दुखी हैं। बंदरों को 1 साल के लिए प्रवीण घोषित किया गया है, लेकिन इनको मारने से धार्मिक भावनाएं खड़ी हो रही हैं। सरकार अधिकारियों के साथ बैठक मामले को लेकर जल्द कोई समाधान निकाल लेगा। वहीं मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि CPIAM द्वारा HRTC MD कार्यालय के बाहर बसों की कमी को लेकर किए जा रहे प्रदर्शन को राजनीतिक मंशा से करने के आरोप लगाए हैं। और कहा कि प्रदेश में बसों की इतनी भी ज्यादा कमी नहीं है कि लोगों को आंदोलन करना पड़े। सरकार ने अधिकारियों को ऐसे रूटों पर जहां बसों की कमी है, वहां पर अतिरिक्त बसें चलाने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री जयराम ने शिमला में सभी विभागों के सचिवों के साथ बैठक कर विभागों के कार्यों की समीक्षा की और आगामी योजनाओं की रूपरेखा तैयार की। सोलन में महिला मोर्चा ने प्रेस वार्ता का आयोजन किया। प्रेस वार्ता की अध्यक्षता महिला मोर्चा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रशिमदर सूद ने की। उन्होंने कहा कि 3 तलाक को लेकर बिल पास हो चुका है। इस बिल के पास होने से अब मुस्लिम महिलाओं को पुरुषों द्वारा उन पर तलाक को लेकर की जा रही ज्यादतियां नहीं सहनी पड़ेंगी। उन्होंने कहा कि पहले मुस्लिम पुरुष गुस्से का फायदा उठाकर महिलाओं को तलाक दे देते थे, लेकिन अब इस पर पूर्ण रूप से रोक लग चुकी है, जिसका मुस्लिम महिलाओं समेत देश की सभी महिलाओं ने स्वागत किया है। महिला मोर्चा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रशिमदर सूद ने कहा कि मुस्लिम महिलाएं 72 वर्षों से इस फैसले का इंतजार कर रही थी, जिसे मोदी सरकार ने प्राथमिकता के तौर पर मुस्लिम महिलाओं को एक तोहफा दिया है, जिसका सभी महिलाएं स्वागत कर रही हैं। उन्होंने कहा कि अन्य देशों में 3 तलाक पर बैन है, लेकिन भारतवर्ष में अब ये फैसला नरेंद्र मोदी के प्रयासों द्वारा लिया गया है, जो एक सराहनीय कदम है। उन्होंने कहा कि इस फैसले में मुस्लिम महिलाएं आम महिलाओं के समक्ष खड़ी हो पाई हैं। उन्होंने बताया कि उन्हें भाजपा के कार्यकारी अध्यक्ष JP नड्डा ने 72 वर्ष से 2.5 करोड़ महिलाओं को भाजपा में शामिल करने का लक्ष्य रखा है। वहीं हिमाचल के प्रदेश जिला 3000 महिलाओं युवतियों को शामिल करने का लक्ष्य है, जिसे वे बड़ी आसानी से पूर्ण कर लेंगी। सोलन में निजी चिकित्सक आज दिन भर हड़ताल पर रहे। वहीं सरकारी अस्पताल के चिकित्सकों ने काले रिबन लगाकर उनका साथ दिया।
जिसके चलते रोगियों को भारी मुश्किल का सामना करना पड़ा। वही इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की सोलन शाखा के अध्यक्ष रविकांत सूद ने कहा कि केंद्र सरकार ने लोकसभा में NMC बिल पास कर आम जनता, विद्यार्थियों और चिकित्सकों के साथ भारी धोखा किया है। उन्होंने बताया कि उनकी संस्था इस बिल को पुरजोर विरोध करती है। उन्होंने कहा कि उनकी ये हड़ताल कल भी जारी रहेगी। अगर केंद्र सरकार उनकी मांगों की ओर ध्यान नहीं देगी तो वे आने वाले समय में उग्र आंदोलन का रूप ले सकते हैं। अधिक जानकारी देते हुए इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की सोलन शाखा के अध्यक्ष रविकांत सूत ने बताया कि केंद्र सरकार द्वारा NMC बिल को पारित किया है, जिसके चलते MBBS छात्र को डिग्री पूर्ण करने के बाद एग्जिट एग्जाम भी देना जरूरी होगा, जिसका सीधा फायदा विश्वविद्यालय चला रहे उद्यमियों को होगा। यहां तक कि उन्हें छात्रों से मनमानी फीस वसूलने तक का लाइसेंस दिया जा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि मेडिकल कॉलेज चला रहे ज्यादातर उद्यमी राजनीति में सक्रिय हैं और उन्हें ही केंद्र सरकार फायदा पहुंचाने में लगी है। वहीं दूसरी ओर इस बिल से आयुष, यूनानी और आयुर्वेदिक चिकित्सालय 6 माह का कोर्स कर एलोपैथिक दवाइयां देने का लाइसेंस ले पाएंगे, जिसकी वजह से रोगियों को ठीक इलाज नहीं मिल पाएगा और मृत्यु दर ज्यादा बढ़ेगी।